हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। अगर आप सुजुकी कंपनी की एंट्री लेवल क्रूजर सेगमेंट की बाइक सुजुकी इंट्रूडर को खरीदने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आप अब इस बाइक को आप नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है, इसको कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसका जो मेन रीज़न है उसके बारे में अगर आपको बता दें तो पिछले 6 महीने में इस मोटरसाइकिल के एक भी यूनिट सेलिंग नहीं हुई है, जिसके वजह से कंपनी को इस मॉडल को बंद करना पड़ा है क्योंकि पिछले 6 महीने से एक भी इसके मॉडल्स बेचे नहीं गए हैं। हालांकि ये जो मोटरसाइकिल थी वो एंट्री लेवल क्रूजर सेगमेंट की बाइक थी जिसकी सीट हाइट काफ़ी कम थी, तो जिन लोगों की हाइट थोड़ी सी छोटी भी थी वो लोग भी आसानी से इस बाइक को चला सकते थे, लेकिन अब इसको आप परचेस नहीं कर पाएंगे। इस बाइक के बारे में और भी आपको डिटेल में थोड़ी सी जानकारी दे दें तो कंपनी इसमें 3 अलग अलग कलर ऑप्शन दे दी थी। इसकी डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, पहले आपको ये बाइक्स कहीं ना कहीं सड़कों पर दिख जाती होगी लेकिन अब आपको बहुत ही कम इंडियन सड़कों पर इस बाइक को देखा जाता है। और इस मॉडल को कंपनी ने इंडियन मार्केट में पहली बार 2017 में लॉन्च किया था और अब 2022 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसमें जो इंजन मिलता था 155cc का 4-स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BXS कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन का इसमें इस्तेमाल था, यानी कि BXS में अपडेट हो चुकी थी जिसमें आपको 8000 RPM पर 13.6 PS का पावर और 6000 RPM पर 13.8 Nm का टॉर्क जनरेट करती थी। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता था लेकिन ये केवल सेल्फ स्टार्टर के साथ आती थी, इसमें आपको किक स्टार्टर देखने को नहीं मिलती थी। जिसके फ्रंट में आपको 100x80 का 17 इंच और रियर में 140x60 का 17 इंच का टायर लगा हुआ मिलता था, जिसके फ्रंट में डिस्क और रियर में भी डिस्क ब्रेक लगा हुआ था। तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प के साथ LED DRS देखने को मिलता था, डिजिटल मीटर कंसोल इसमें दिया गया था। तो वहीं अगर इसके सीट हाइट की बात करें तो आप थोड़े से हैरान हो जाएंगे, इसके जो सीट हाइट है 740mm है, यानी कि इसकी जो हाइट है सीट की वो काफ़ी कम है। तो अगर आपका हाइट बहुत कम था तो भी आप इस बाइक को आप चला सकते थे, लेकिन इस बाइक को डिसकंटिन्यू इसलिए भी कर दिया गया क्योंकि ये बाइक थोड़ी सी महंगी थी, क्योंकि इस सेगमेंट में क्रूजर सेगमेंट में बजाज एवेंजर इससे सस्ती मिलती है। तो अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो सुजुकी इंट्रूडर BS6 का जो लास्ट प्राइस था वो एक्सरूम दिल्ली में 128,900 यानी कि 128,900 रुपये तक था। तो ये बाइक थोड़ी सी महंगी जरूर थी। बाकी अगर इसके माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 45 से 50 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती थी। लुक वाइज भी ये बाइक अच्छी थी लेकिन फिलहाल कंपनी ने अब इसको बंद कर दिया है। तो अगर आपने सोचा होगा कि इस बाइक को कभी परचेस करने के लिए तो अब आप इसको परचेस नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस बाइक को हटा दिया है, तो ऑनलाइन भी आप परचेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपने कभी इस बाइक को चलाया या फिर आपके पास भी ये बाइक पहले से कभी थी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको बाइक ये कैसी लगती है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।